अनमोल दोहे के बाकी सारे दोहों को पढ़ेंगे। करत करत अभ्यास के जन्म की होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख जो व्यक्ति होता है वो भी ज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। कहने का मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज के लिए का कोई भी चीज सीखने के लिए अगर अभ्यास करते रहे तो हम लोग वो चीज सीख जाते हैं। उसी प्रकार हम कुछ भी चीज अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम लोगों को अभ्यास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जीवन में जितने भी प्रेम संबंध हैं उन्हें बनाए रखने के लिए हमें जोर दिया जाता है, यानी हमें जोर देना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार टूटे हुए धागे को जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है तथा वह पहले के रूप में नहीं रह जाता है, उसी प्रकार प्रेम के धागे टूटने पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना थोड़ा मन मुटाव रह ही जाता है। इसलिए प्रेम को टूटने नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर धागा एक बार बीच से टूट जाता है और उसके बाद उसमें कितना भी जोड़ लगा दिया जाए लेकिन वो एक ना एक गांठ पड़ ही जाता है, और गांठ पड़ने के बाद वो वैसे ही रह जाता है। वैसे ही हमारी रिश्तों में भी होता है, अगर हम लोगों के रिश्ते में अगर कहीं ना कहीं से मन मुटाव हो जाए तो उसको कितना भी जोड़ ले, अगर रिश्ता टूट गया है और कितना भी जोड़ ले तो वो मन मुटाव रह ही जाता है वो समय करने के लिए। रहमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। जैसे इसमें रहीम कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं यानी जो पैसे वाले लोग होते हैं वो छोटे लोगों को देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि जहां सुई का काम आता है वहां तलवार का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर किसी सिलाई में कपड़े के सिलाई में हम लोग अगर चाहे तो उसका काम हम लोग तलवार से नहीं कर सकते हैं, क्या? क्योंकि उसमें सुई का ही जरूरत होता है। उसी प्रकार हमारे आसपास में जितने भी बड़े हो या छोटे हो किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये चीज हमारे जो रहीम है वो हमें सिखाते हैं हमारे जीवन काल में। और ये जो पाठ है यही खत्म होता है। धन्यवाद।